मजदूर, नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, सड़क बनाने वाले लोग, दुकान मकान और तमाम ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोग जिनकी वजह से हमारा दैनिक जीवन सरल हो गया है। दुनिया भर में मई महीने में मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे जीवन को सरल बनाने वाले लोगों को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाने का महत्व कई देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका संदेश एक ही होता है कि मजदूरों का योगदान सर्व समाज में महत्वपूर्ण है और उन्हें सम्मान व न्याय मिलना चाहिए। मजदूर समाज का वो हिस्सा है जो लोगों के बीच रहकर समाज के हर तबके के जीवन को आसान कर देते हैं, सुगम और सुचारू बनाते हैं। वो अपनी मेहनत के दम पर उत्पादन का संचालन करते हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास संभव होता है। श्रमिकों का समाज में योगदान न केवल आर्थिक रूप से है बल्कि उनके अधिकारों और सामाजिक स्थिति के मामले में भी महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले सन 1886 में अमेरिका में आंदोलन शुरू हुआ जिसमें मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन की वजह मजदूरों की कार्य अवधि थी। उन दिनों मजदूर एक दिन में 15-15 घंटे काम किया करते थे। आंदोलन के दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाईं जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूरों की जानें चली गईं और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें तय किया गया कि हर मजदूर की प्रतिदिन की कार्य अवधि 8 घंटे ही होगी। वहीं 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। बाद में अमेरिकी मजदूरों की तरह ही दूसरे देशों में भी श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस पहली बार 1889 में मनाने का फैसला लिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत 1886 से ही हो गई थी। इसे मनाने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों का बड़ा तबका सड़क पर उतर आए और तब से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। 1900 का दौर शुरू हुआ। देश में ब्रिटिश हुकूमत थी जहां एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन जोरों पर था। मजदूरों पर अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठी तो कम्युनिस्ट नेताओं ने कमर कस ली और देश में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने का ऐलान किया गया। 1 मई 1923 में देश में पहली बार चेन्नई में लाल झंडे को सलामी दी गई और मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही देश कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। देश की आज़ादी के बाद जहां देश में मजदूरों के नाम पर कई ट्रेड यूनियन बना तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पूरा फोकस मजदूर और किसानों पर रखा और इन्हीं के दम पर कई राज्यों में अपनी सरकारें भी बनाई गईं। आप सोचेंगे कि लाल झंडे को ही क्यों सलामी दी गई। 4 मई की शाम शिकागो के भूसा मार्केट में हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट व रैली जारी रही। मजदूरों के नेता लगातार तकरीर करते रहे। इसी दरमियान उस रैली में अचानक बम विस्फोट हुआ और पुलिस की तरफ से मजदूरों पर फायरिंग शुरू हो गई। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और उसी दौरान पुलिस की गोलियों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर छलनी हो चुके थे। पूरा बाजार मजदूरों के खून व बारिश के पानी से लथपथ हो चुका था। लगभग सबके कपड़े लाल हो चुके थे। शांति और अमन का मजदूरों का परचम अब खून से लाल हो चुका था। कहा जाता है कि अगले दिन मजदूरों ने अपने खून से लथपथ कपड़ों को अपनी बस्तियों में घरों के आगे व खिड़कियों पर टांग दिया था। इससे पूरी बस्ती लाल झंडे से शराबोर दिखाई देने लगी और यहीं से दुनिया में लाल रंग, लाल झंडा और लाल सलाम हिंसक कार्रवाइयों, दमन व शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और तब से मजदूर लाल झंडे को सलामी देने लगे। हर साल मजदूर दिवस की एक विशेष थीम निर्धारित होती है। मजदूर दिवस पिछले साल यानी 2023 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना। वहीं इस साल मजदूर दिवस 2024 का फोकस जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर है।